वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जीएस 6 का पॉइंट नंबर 16 होगा, ये इंग्लिश मीडियम का वीडियो, इंग्लिश में लिखा गया, आम बोलचाल की भाषा में समझाया गया, खूब सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। पावर रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुराने बहुत से टॉपिक्स आपको इसमें मिलेंगे, बहुत सी चीजें रिवाइज अगर करी हुई होंगी तो बहुत जल्दी याद आ जाएंगी। कीवर्ड्स पे अटमोस्ट फोकस की जरूरत है, सारी बताई गई बातों को रिवाइज करने की जरूरत है। तो मेंस बहुत आसानी से आप लोग क्लियर करके आएंगे, जब पेपर देके आएंगे तभी श्योर हो गया होगा कि आपका पेपर क्लियर हो रहा है। इसके अलावा अगर आप डेडिकेटेड आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेस्ट सीरीज वाला पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारा मेंस 2023 का कंप्लीट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग भी अपनी तैयारी 2024 में करना चाहते हैं, 2024 का पेपर टारगेट करना चाहते हैं, उनका बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है कि वो अभी से हर चीज पे फोकस करके चलें। शुरुआत से सिलेक्शन तक जाने के लिए भी आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जीएस 6 का पॉइंट नंबर 16 इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो शुरू। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देखो इसमें हम पावर रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखेंगे यूपी का। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ओवरऑल इंडिया का पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस हिसाब से हुआ, ये चीज दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, देखिए इंडस्ट्री अच्छा कौन सा सेक्टर है इकोनॉमी का, आप जानते हैं ये सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है। इंडस्ट्री ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब इंडिया को आजादी मिली तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, उद्योगीकरण जो है, वो क्या रोल प्ले कर सकता है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लॉन्ग रन में। इस हिसाब से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का और एक रेजोल्यूशन भी लाया गया जिसको आप कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। IPR resolution 1956 आप इसको कह सकते हैं। इसने क्या बोला, 1956 की जो ये पॉलिसी आई, इसने कहा कि हैवी इंडस्ट्रीज पे आप फोकस कीजिए, पब्लिक सेक्टर लीड ले इस एरिया में, हम हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट करें। और ये स्ट्रेटेजी जस्टिफाइड भी थी, क्यों, क्योंकि पहले 5 ईयर प्लान में तो हमने फोकस किस पे किया था, एग्रीकल्चर पे। फिर हमने कहा ये जस्टिफाइड इसलिए है कि भाई जो एग्रीकल्चर पे बर्डन है वो कम हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी इन द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज और स्मॉल इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ होगी। इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, जब ये डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा सा कंज्यूमर बेस बढ़ जाएगा, इसका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्लस हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे जिसको हम कह रहे हैं सेल्फ रिलायंस। आज जाके 75 साल बाद हम कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, लेकिन इस डायरेक्शन में काम होना स्टार्ट हुआ ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर ग्रोथ होती रही 1956 के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता रहा, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे पब्लिक सेक्टर ने खासकर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इस सेक्टर। अब होता क्या है, 1960s में आते आते इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज में थोड़ा कम हो गया जिसकी वजह से इसका ग्रोथ रेट अफेक्ट हो गया, ऐसा ही होगा डेफिनेट सी बात है। फिर 1980s में ये ट्रेंड रिवर्स हुआ, फिर से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस बने, पावर, कोल, रेल, रेलवे को और स्ट्रॉन्ग किया गया। अर्ली 1990s में पाया गया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो थी वो तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, मिसमैनेजमेंट है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो 1991 में आप जानते हैं LPG रिफॉर्म्स लेके आए गए, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू एनकरेज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रिमूव द रिजिड लाइसेंस सिस्टम जिसको क्या बोला गया लिबरलाइजेशन, इंटरनेशनल प्लेयर्स को अलाउ कीजिए डोमेस्टिक मार्केट में, उनको प्ले करने दीजिए आके, डोमेस्टिक प्लेयर्स को एक्सप्लोर करने दीजिए फॉरेन टेरिटरीज ऑल्सो। सो द ओवरऑल एम ऑफ ऑल दीज थिंग्स वॉज टू स्ट्रेंथन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री, एंड सच अ मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज कॉल्ड द LPG मॉडल,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडल। ऐसे ऐसे आके इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ऐसे फोकस बढ़ता चला गया। 90s के बाद फिर अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिली इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्साइज ड्यूटी कम की गई, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है अब तो हम इनोवेशन की बात करते हैं, अब हम और बाकी चीजों की बात करते हैं। गवर्नमेंट इतना ज्यादा इनिशिएटिव लेती है, आप देखते ही आ रहे हैं, है ना। हम जैसे आपकी बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात होती है, प्रोसेसिंग पे बहुत ध्यान देने की बात होती है। तो इंडिया और उत्तर प्रदेश ऑन द होल इट्स एन अट्रैक्टिव हब फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बढ़ सकती है, हम इंडिजिनस डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। ये सब कुछ हम बात क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल है। हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं, हम स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं। क्यों इतना इम्पीटस दिया जा रहा है इन चीजों पे? सो दैट द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू एंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। प्लीज नोट दीज कीवर्ड्स, प्लीज। And these corridors, they will assist in integrating, monitoring, developing a conducive environment for overall industrial development that will promote advanced practices in manufacturing, entrepreneurship in manufacturing, startup culture बढ़ाने की बात कर रहा है देश। इन सारी चीजों को integrate करके आपको यहाँ पे लिखना है for sure। मार्केट साइज देखो, सेक्टर का क्या कॉम्पोजिशन है, ट्रेंड्स क्या है, गवर्नमेंट इनिशियटिव क्या है, इंडिया के पास क्या एडवांटेज है, एज यू नो मतलब की परफॉर्मिंग इंडस्ट्री होने के नाते इंडिया का विजन कितना है, हम क्या बनना चाहते हैं, 5 trillion की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। तो ये डिपेंडेंट किस पे है? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। यूपी कितना इकोनॉमी बनना चाहती है, मैंने आपको 10 बार बता दी ये चीज। यूपी का ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है? इंडस्ट्री प्ले पे और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे। क्लियर? तो प्री इंडिपेंडेंस, फिर 1948 से 90 वाला पीरियड, पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स और आज तक में हमने मेक इन इंडिया, आज तक में आप जब लिखेंगे 4 सेक्शंस में डिवाइड करके आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और जब आप आज की बात करेंगे तो लिखिएगा हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे, व्हीकल्स पे, सोलर पैनल्स पे, और हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं, हम मेक इन इंडिया के थ्रू दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया करना चाहते हैं, यहाँ पे आके चीजें बनाई जाए, है ना। इंडस्ट्री 4.0 की हम बात करते हैं इसका मतलब। और हमें साथ साथ ये भी एक्नॉलेज करना है कि क्या हमारे साथ पास हर्डल्स हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें है ना। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देना चाहते हैं, PLI। फिर आप PM गतिशक्ति मास्टर प्लान के बारे में लिख सकते हैं, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है हमारा, भारतमाला प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। भारतमाला यूपी के केस में चलिए मतलब एग्जाम्पल दे सकते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का ज्यादा है। स्टार्टअप इंडिया लिख सकते हैं, मेक इन इंडिया 2.0 लिख सकते हैं, आत्मनिर्भर लिख सकते हैं आप, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में लिख सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स पे जोर दिया जाए ये लिख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हटाए जाएं ये लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज किया जाए, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है उसको इस्तेमाल में किया जाए, यंग वर्किंग पॉपुलेशन को इस्तेमाल में किया जाए, वर्कफोर्स बढ़ाई जाए, स्किल्ड वर्कफोर्स की बात की जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाया जाए, एंड वी हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ ग्लोबल हब, वी हैव अ लार्ज पूल ऑफ इंजीनियर्स, वी हैव अ यंग लेबर फोर्स, एंड हमें मल्टी फेसेटेड रिफॉर्म्स, इसमें आप लिखेंगे मल्टी फेसेटेड रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। ये सारी चीजें आप लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत बढ़िया बन के आएगा। ठीक है, औद्योगिक विकास की हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्या लिखेंगे आप? Industrial development means a development that involves manufacturing or industrial process, and it shall include, but it is not limited to, electric power production, food, by-product processing, paper production, agri chemical, chemical storage, chemical processes, पता नहीं क्या क्या, पर सब कुछ लिख सकते हो आप इसके अंदर। Clear? So, industrial development is the engine of economic development. It is the major driver. इट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो है हमारी इन टू अ मॉडर्न इकोनॉमी। और ये मॉडर्न इकोनॉमी क्या अट्रैक्ट करेगी? इट विल ब्रिंग रैपिड एंड सस्टेन्ड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट इन द कंट्री, एंड इट हैज द पोटेंशियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ जनरल पॉवर्टी, वेदर इट इज अनएम्प्लॉयमेंट, बैकवर्डनेस, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इट विल इंक्रीज द पर कैपिटा एंड GDP ऑफ द कंट्री, इट विल इंक्रीज द GSDP ऑफ द स्टेट।
So it cannot be denied that effective industrial development is very important, very crucial for successful economic development. Industry is equals to economy. Hamesha yaad rakhiyega. Industry is equals to economy. और जैसा डेवलपिंग स्टेट है यूपी, जिस हिसाब का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, पूरे पिछले लेक्चर्स देख के आ रहे हो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं हर चीज से रिलेटेड. पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है, एम्प्लॉयमेंट रेट कम है, इसका फायदा उठाया जा सकता है पॉपुलेशन ग्रोथ का एम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, सॉरी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए. ठीक है, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश इज प्राइमरीली एन एग्रेरियन इकोनॉमी, जहाँ पे 60% से ज्यादा जो टोटल पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, लेकिन हम एग्रो इंडस्ट्री बेस्ड डेवलपमेंट कर सकते हैं. एग्रीकल्चर का जो रॉ मटेरियल है, जो प्रोड्यूस है, उससे इंडस्ट्री, उससे प्रोसेसिंग. सो द स्टेट इट सफर्स फ्रॉम लो पर कैपिटा इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना अच्छा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के भी इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स बहुत ज्यादा हैं. हम लोग लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर हैं इंडिया के, बट एग्रीकल्चर अलोन इज नॉट इनफ टू ब्रिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फ्री द स्टेट फ्रॉम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. उसके साथ आपको एक इंडस्ट्री ड्रिवन क्लाइमेट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. सो फॉर दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्री, यू नीड टू टेक स्टेप्स विच कैन, जो कहते हैं ना हम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनोवेशन, आपका एंटरप्रेन्योरशिप, इस पर हमें ध्यान देना ही देना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी लेटेस्ट यूज करनी ही करनी. हमने पढ़ा था जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उत्तर प्रदेश का, इट सफर्स फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स. आप जानते हैं एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, कई बार मॉनसून अच्छा नहीं होता. बुंदेलखंड रीजन की पूरी केस स्टडी पढ़ी हमने, कितनी परेशानी है, रीजनल इंबैलेंसेस कितने, रीजनल इनइक्वालिटीज कितनी ज्यादा है, तो वो सारी चीजें आप लिख सकते हो. हमारे पास इतने मॉडर्न एग्रीकल्चरल इनपुट्स नहीं है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड का प्रॉब्लम है, छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं, फार्मर्स मार्जिनल हैं, स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, and uneconomical size of holdings in the state. मैंने बताई दिया. So the agriculture sector has not been able to generate enough employment. तभी तो लोग बाग फिर migration होता है. Push and pull factors आएंगे. वो same keywords keep repeating them. Therefore, in order to overcome this economic backwardness, there is a vital need to make a strong and rapid industrialization. और state of Uttar Pradesh ज़्यादा developmental priorities दे for the development of modern industries. This is mainly because the industrial sector has a relatively high marginal propensity to save and invest. ये बहुत जरूरी है. Which inversely increases income, creates self-reliant economy and increases employment opportunities in the economy, and it will further accelerate the pace of growth and development in the state. This is very very important. इसके लिए करना बहुत important है. क्या चैलेंजेस हैं उत्तर प्रदेश में, क्या प्रॉब्लम्स हैं, सीरियस प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे. हमारा लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, LPP, LSPR हमने कई बार देख चुके हैं. हम जो फीमेल्स के लिए देखिए 14.2% है एज कम्पेयर टू द नेशनल एवरेज विच इज 25%. NSSO 2017 का जो फोर्थ राउंड, मैंने आपको कई बार करा चुकी हूँ मैं ये वाली चीज़ आपको. आप जानते हैं इतना ज़्यादा एफिशिएंट हमारे पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना ही मैन पावर है, ऊपर से स्किल्ड मैन पावर तो है ही नहीं. हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तभी तो मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस बढ़ती है ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में. टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं है, वो ज्यादातर बड़ी सिटीज में ही है. ज्यादातर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आप जानते हैं हमारा भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इट इज रनिंग इन लॉस. रेल ट्रांसपोर्ट हमारा ओवरबर्डन है, रोड ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. अदर एक्सपोर्टर्स लोकेटेड इन स्टेट्स क्लोज टू पोर्ट्स आर एट कंपैरेटिव कॉस्ट डिसएडवांटेज ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम इंडियाज पोर्ट्स. अवेलेबिलिटी नहीं है लैंड का फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, लैंड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लैंड यूज, लैंड मैनेजमेंट. एक लेवल प्लेइंग फील्ड, इसमें आप लिख सकते हैं दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन मेंटेनिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड. एमएसएमई सेक्टर जो है इट सीम्स टू बी लेस फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं है, कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कम्पेयर टू मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर. तो ये परसिस्टेंट बायस है एक, जो करेक्ट होना बहुत जरूरी. पोर्ट फैसिलिटीज तो है नहीं ड्यू टू, भाई वो तो हो भी नहीं सकती, ये वाला तो पॉइंट खैर मेरे हिसाब से आप मतलब वो नहीं है, हम ज्योग्राफिकली ऐसे हैं तो वो ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज है हमारे पास.
लैक ऑफ स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, डिमांड एंड सप्लाई. मैंने आपको बताया पावर सेक्टर ओवरऑल द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज रनिंग इन लॉस एंड इट इज इन डेप्रोलेबल कंडीशन. रीजनल इम्बैलेंसेज मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, बट रीजनल इम्बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स. कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है लेबर लॉस का, सिंप्लीफाइड नहीं है रेगुलेटरी प्रोसीजर्स, लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, फॉरन इम्पोर्ट्स पे रिलायंस बहुत ज्यादा है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मशीनरी, आयरन एंड स्टील है, पेपर है, केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है. लोकेशन बेस का बहुत प्रॉब्लम है हमारे साथ, है ना भाई. इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दी गई विदाउट रेफरेंस टू कॉस्ट इफेक्टिव पॉइंट्स, तो लोकेशन रीजन ज्यादातर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, होने चाहिए ज्योग्राफिकली मोटिवेटेड. आप तो यही पढ़ते हैं ना अपने सिलेबस में. फिर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का बहुत लॉस चल रहा है. हम फोकस कर रहे हैं ऑन द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, तो इन्वेस्टमेंट जो है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज पे वो इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग द अर्ली फाइव ईयर प्लान्स, लेकिन अब पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था, करप्शन ज्यादा हुआ, रेड टेपिज्म ज्यादा हुआ, लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम चली, इस वजह से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लॉस में आ गए. फिर गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कवर अप करने के लिए चाहिए होता था, ये सब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इस वजह से भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पिछड़ा थोड़ा सा, पिछड़ना नहीं चाहिए था इतना. करप्शन और रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा बड़ी समस्याएं हैं, इसमें आप लिख लीजिए मेरे हिसाब से. करप्शन प्लस रेड टेपिज्म, फिर इसमें आप लिख सकते हो पॉलिसी मेकिंग फॉल्टी है बहुत. ये आप सारी चीजें लिख सकते हो उसमें, है ना. नाउ फैक्टर्स ड्राइविंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, क्या फैक्टर्स हैं, क्यों फोकस करें हम इतना ज्यादा, बताइए आप. एक तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम इतना बात कर रहे हैं, ग्रोथ सेंटर्स इतने बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात कर रहे हैं, रेलवे रोड नेटवर्क अभी देखा पिछले लेक्चर में कितना ज्यादा है, अच्छा खासा अवेलेबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी हर चीज की जब अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है तो उसको हम यूज क्यों नहीं कर पा रहे. अवेलेबिलिटी ऑफ अ ह्यूज वर्क फोर्स, इंसेंटिव्स अच्छा खासे दे रही है स्टेट गवर्नमेंट, देन ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू यू नो टैप द एडवांटेज. स्टेट का लॉन्गेस्ट नेटवर्क है रिवर्स का, कनाल्स का, नेविगेबल वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा है हमारे पास, सो इट कैन फोस्टर द एग्रीकल्चर सेक्टर. मिनरल रिसोर्सेज मेनली आप जानते हैं, ये भी आप कवर कर चुके हैं पहले, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, ग्लास सैंड है, मार्बल है, बॉक्साइट है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले है, यूरेनियम है, तो जो भी चाहे लिमिटेड हैं रिसोर्सेज बट यू कैन मेक यूज ऑफ देम, यू कैन मेक मोस्ट यूज ऑफ देम. बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हुई हैं द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ साहिबाबाद एंड नोएडा विच आर क्लोज टू दिल्ली एंड दे हैव एन एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, दे हैव एन एक्सीलेंट कनेक्टिविटी. ये एक अच्छा ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है. So the state is in a continuing process of improving the industrial infrastructure and has developed integrated industrial townships like in Noida, Greater Noida. ये आप जानते हैं ये तो बसाई हुए शहर हैं, देखो अभी डूबा नहीं कुछ भी, दिल्ली पूरा डूब गई बाढ़ में, नोएडा नहीं डूबा. They have the state of the art facilities. Noida special economic zone, export zone है जो जहाँ पे अच्छा खासा inflow होता है investment का from many domestic and international players, जैसे आप कोका कोला है, पेप्सिको है, ग्लैक्सो है, मॉजरबेयर है, BPO centers काफी हैं यहाँ पे. And manufacturing units of reputed brands are located there in electronics, textiles, engineering, computer software. तो सभी नोएडा में आ गया ना. IT sector पूरा इतना अच्छा खासा flourish कर रहा है नोएडा. Key institutions driving reforms in the state, such as Uttar Pradesh State Development Authority, UP City, ये सब पढ़ के आए हो कि नहीं आए, बस इतना बताओ. ये फॉर्मुलेट करता है, इंप्लीमेंट करता है रेलिवेंट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द स्टेट. ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो रही हैं चीजें. अब रेगुलेटरी फंक्शंस को मैंने बताया ना, रेगुलेशंस का प्रॉब्लम है तो उसी को आसान किया जा रहा है और ज्यादा. फिर अब आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है उद्योग बंधु. उद्योग बंधु का मतलब फ्रेंड ऑफ इंडस्ट्री. इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. ये किस लिए डेडिकेटेड है? इट इज डेडिकेटेड टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स. इसके अलावा जो मान लीजिए एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है, अपकमिंग इंडस्ट्रीज है, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी कुछ चीजें हैं, उन सबको ये टैकल करता है. तो
उद्योग बंधु इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी एंड इट इज फोकस्ड ऑन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट. समिट हुई, इन्वेस्टर समिट हुई, इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहती है स्टेट, है ना, तभी तो ये सारी चीजें हो रही हैं. Proactively contributing in policy formulation. हम policy making में हमने देखा ना faulty है policy. For rapid development of infrastructure, manufacturing and service sectors, the organization facilitates resolution of problems of prospective and existing entrepreneurs. सारे जो budding entrepreneurs हैं, जो starting वाले investors हैं, उन सबकी problems को address करने के लिए by providing them advisory services. And taking up their issues, monitoring करना, पहले से assessment करना, पहले से planning करना. At the appropriate level in the government of Uttar Pradesh and other public bodies, institutions, organizations, जहां भी उनको जिस भी हिसाब की help चाहिए, वो help provide करने के लिए particular body designed है. उद्योग बंधु functions with transparency and swift responsiveness, and it serves its clients with a friendly and courteous approach. ये सारे अच्छे words हैं, अच्छे words को please catch कीजिए और अपने exam में छाप के आइए as it is. तब मजा आएगा. Clear? Now, Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation, UPSIDC, major functions हैं इसके, developing industrial areas, ज़्यादा से ज़्यादा develop हो, identify हो, promote हो, infrastructure related और industry specific projects पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो उसके लिए एक dedicated corporation बनाया हुआ है. So that is a very good step. Land acquisition हो सही से, क्योंकि land use management वगैरह सही नहीं है, land available नहीं है, और integrated infrastructure बने for industrial townships, इन सब चीज़ों से related. तो इसके लिए भी अच्छा खासा काम कर रहा है UPSIDC. करप्शन फ्री रहे, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर्ड रहे, ये वाले सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. उद्योग बंधु लिख के ही लिख के आना है, UPSIDC लिख के आना है, UPSIDC लिख के आना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल नहीं छोड़ने. ठीक है जी, देखो इनके कितने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. ये देखो आप, उन्नाव में चल रहा है आपका ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी, सरस्वती हाईटेक सिटी इलाहाबाद में, आईएमसी भोपुर प्रोजेक्ट भोपुर में, फिर आपका औरैया में चल रहा है डिबियापुर प्लास्टिक पार्क, देन गाजियाबाद में ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिका, सुना ही होगा ये तो आपने, सर ने कराया तो था अजीत सर ने करंट अफेयर्स में. कन्नौज में परफ्यूम पार्क बन रहा है पूरा, बरेली में बाहरी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, रमायपुर कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर, ये जो आपका ODOP है ना, इस पे फोकस करके ये सारे क्लस्टर्स पार्क्स ये बनाना, ये बहुत कमाल की चीज कर रही है हमारी सरकार. मुरादाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है, मंदाना है आपका कानपुर, आगरा में थीम पार्क सेवन सिटीज, ये बहुत जरूरी है. और आप अवेलेबल एरिया देखिए, अच्छा खासा है सबका, इन एकर्स दिया हुआ है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स पे इतना ध्यान, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग क्या है, व्हाट इज ESDM इंडस्ट्री, जो फोकस करता है इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, है ना, ESDM. तो आप जानते हैं हमारा वो आया हुआ है नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 में आया था ये, तो ये बेसिकली सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाया जाएगा ESDM का. कैसे? बाय एनकरेजिंग एंड ड्राइविंग कैपेबिलिटीज इन द कंट्री फॉर डेवलपिंग कोर कंपोनेंट्स, जैसे चिपसेट्स वगैरह नहीं होते, ये डेवलप करना, इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना इंडस्ट्रीज के कम्पीट कर पाए ग्लोबली. तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा इस लिहाज से. To accelerate the development of ESDM ecosystem, UP Electronics Manufacturing Policy has declared Noida, Greater Noida and Yamuna Expressway areas as electronics manufacturing zone. ये बनाए हैं हमने अपने electronic manufacturing zone, क्योंकि उस policy में आया था कि ये zones बनाइए, आप ecosystem बनाइए globally competitive ESDM sector का. ठीक है, जो emerging technology areas हैं 5G, Internet of Things, sensors, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ड्रोन्स, रोबोटिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, फोनोटिक्स, नैनो बेस्ड डिवाइसेस, लिख लो इन सबको, इन सबको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, इन सबको बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है. ठीक है, तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखते चलो अपना, जो आपका इन्वेस्ट यूपी करके इसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है वाली पॉलिसी बहुत ज्यादा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाना या फिर ESDM पार्क्स बनाना स्टेट में, फिर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द स्टेट, फोकस ऑन सेटिंग अप ऑफ फैब यूनिट्स जो होती हैं, सेमीकंडक्टर वाली जो यूनिट्स होती हैं, इनको मैंने बताया ना चिपसेट्स, फिर सेटिंग अप ESDM पार्क्स फॉर डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द स्टेट, टू प्रमोट एंड डेवलप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद इन द स्टेट, टू इंक्रीज द GSDP डेफिनेटली ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री। ऐसी ही धीरे धीरे चीजों को बढ़ावा देने के लिए इसको और ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2022 फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको देख के चलनी है। ठीक है ना, जितनी भी ये चीजें बताई जा रही हैं, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, और हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अपनी उस हिसाब से ही करेंगे। ठीक है ना, 2022 वाली पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को, पूरा मतलब नॉर्थ इंडियन स्टेट हमारी जो ये है, ये ज्यादा पुल सीक कर रही है इन मोर FDI। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज अ लीडिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन नॉर्थ इंडिया, लिखेंगे आप ये चीज, हेल्प्ड बाय इट्स रॉबस्ट कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, सेक्टोरल इंसेंटिव्स एंड इंप्रूव्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लिखते रहिए इन चीजों को प्लीज। ठीक है, निवेश मित्र पोर्टल पढ़ा था नहीं पढ़ा था भाई, इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट है हमारा, तो उत्तर प्रदेश क्या ऑफर करता है बिजनेसेस को, की डेमोग्राफिक एडवांटेज, भाई कंज्यूमर मार्केट है, डाइवर्स टैलेंट पूल है, स्टेट का पॉपुलेशन साइज, टेरिटरी, ये सब क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इन सब चीजों में। ठीक है, तो एक डायग्राम टाइप बना के दे देती हूँ इसमें, वो देखते जाओ और लिखते जाओ। पहले तो ये देख लो, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन पिलर्स क्या हैं पॉलिसी के, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, और ये कॉमन इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है अलग अलग सेक्टोरल पॉलिसीज में, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस, सस्टेनेबिलिटी। अब हॉरिजॉन्टल में क्या है, आपका क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी होगी, एक्सेस टू फाइनेंस होगा, स्किल्ड लेबर होगा। वर्टिकल में आपका फोकस सेक्टर्स देखे जाएंगे, सनराइज और पोटेंशियल सेक्टर्स और चैंपियन सर्विसेज। अब मैं आपको बता दूंगी इसमें से कि फोकस सेक्टर्स कौन कौन से हैं, फोकस सेक्टर सुन लो, थोड़ा सा लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, ये जो फोकस सेक्टर्स हैं, आप ऐसे कर सकते हो बीच में एक यहाँ पे गोला बना के फोकस सेक्टर्स, और ऐसे एरो बना सकते हो ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो ऐसे ही बता के दिखा देते हैं, फिर याद रहेगा आपको कि मैम ने ऐसे बताया था, फोकस सेक्टर्स, FOS ऐसे के लिख देते हैं। अब फोकस सेक्टर्स में आप लिखो फार्मास्यूटिकल्स, दूसरा लिखो डिफेंस एंड एरोस्पेस, तीसरा लिखो लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग, फिर लिखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई व्हीकल्स, देन यू कैन राइट सेमीकंडक्टर। ये डायग्राम याद रखना, ये बना के आना जरूर, फोकस सेक्टर्स वाला है ना, ये हो गया, और बायोफ्यूल, देन यू कैन राइट सिविल एविएशन, सीए लिख दिया मैंने, याद रखना, फिर आप लिखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, EM, और आप लिखिए एक और, यहां पे लिख देती हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, ITES लिखते हैं इसको, ITES, ये सारे फोकस सेक्टर्स हैं, इन पे ध्यान देना है बहुत ज्यादा। ये मैं पॉलिसी में से बता रही हूँ, खुद से नहीं बता रही हूँ, इन्हें लिख लेना जरूर से। ऐसे ही कुछ सनराइज सेक्टर्स हैं, ये नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, नहीं करा तो वीडियो पीछे कर लो और नोट कर लो, फिर बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। अब कुछ सनराइज सेक्टर्स हैं, उनका भी ऐसी डायग्राम बनाओ, सनराइज सेक्टर्स, SS लिख लिया ऐसे करके, अब इसमें भी ऐसी सनराइज उगता सूरज बना दो। PLI सेक्टर्स अभी बताया मैंने, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स, फिर एक लिखो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स,
फिर लिखो कैपिटल गुड्स, फिर लिखो केमिकल्स। बोलने में तो समझ में आ रहा होगा, और किसी ने ये लिखा, राइटिंग नहीं समझ आई मैम की, तो देख लेना फिर, ठीक है? मतलब क्या ही देखूंगी मैं तो। फिर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमोटिव्स लिख लो उसमें, और एक लिखो ग्रीन हाइड्रोजन। वेरी गुड, ये हैं सनराइज सेक्टर्स, ठीक है जी? याद रखना जरूर से जरूर, बहुत ही जरूरी है ये चीजें। ओवरसीज इन्वेस्टर समिट करी है अभी यूपी ने, है ना? सपोर्ट करेगा बहुत ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर्स को। और क्यों होना चाहिए ये सारा काम, कुछ पॉइंट्स दे देती हूँ यहाँ पे, वो लिख लो। लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है इंडिया में यहाँ पे, ठीक है? 16,000 किलोमीटर ऑफ टोटल ट्रैक, एक तो ये वाला पॉइंट लिखो। दूसरा लिखो सेकंड हाईएस्ट नेटवर्क है नेशनल हाईवेज का। फिर लिखो स्टेट ऑफ आर्ट एक्सप्रेसवेज हैं, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल, ये तो छोड़ दो। इंडिया का एयर, जो 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 मैंने पिछले लेक्चर में पॉइंट्स लिखवाए थे वो सारे इसमें लिखने हैं। दूसरा, इंडिया को रैंक क्या क्या मिली थी अभी? पहली रैंक मिली थी कॉमर्स और इंडस्ट्रीज में गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में। तो जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ, कुछ इंडेक्सेस वगैरह लिख लिया करो, तो एक तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स की रैंक नोटिस नोट कर लेना, लेटेस्ट वाली। एक लिख लो आप स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग होती है, एक स्टेट्स की स्टार्टअप रैंकिंग होती है, ये 2021 में यूपी का रैंक आया था इसमें लीडर, ये लिख लो। एक लिख लो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम किसके, मिल्क के, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के, गुआवा, मैंगो, पीज, पटेटो, इन सब के। एक्सपोर्ट प्रिपेडनेस इंडेक्स होता है एक, एक्सपोर्ट तो 2021 का डेटा है ये, इसमें 6th रैंक आई थी, तो ये अच्छी बात है सारी। और हमको लीड्स जो होता है ना आपका, लैंडलॉक्ड स्टेट्स इन लॉजिस्टिक्स इज लीड्स 2022, ये लिख लो। इसको अचीवर कैटेगरी मिली थी, प्लीज राइट इट डाउन, अचीवर, अचीवर कैटेगरी, अचीवर इन लीड्स, ऐसे करके लिख लो, अचीवर कैटेगरी इन लीड्स। फुल फॉर्म बता रही हूं मैं फिर से, देख लेना लीड्स की क्या फुल फॉर्म है, लैंडलॉक्ड स्टेट्स इन लॉजिस्टिक्स इज, ठीक है? ये सारे ठीक है, याद हो गए, मतलब लिख लिए होंगे मेरे हिसाब से, नहीं तो पैक करके फिर लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सच बता रही हूँ। तो ऑब्जेक्टिव्स अब देख लो, ऑब्जेक्टिव अब देखना, ऑब्जेक्टिव पढ़ना कितना आसान हो जाएगा जब ये सारी चीजें प्रिपेयर होगी। क्या प्रोविजंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, सबसे पहले तो ये देख लो। एक लैंड बैंक बनाया जाएगा फॉर इंडस्ट्रियल यूज बाय प्रमोटिंग, जो आपका नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, मान लो बंजर कोई जमीन है, बैरन लैंड है, या अनकल्टिवेबल लैंड है, वो अवेलेबल है, फिर उसको रिक्वायरमेंट उसका आपको देखा जाएगा, भाई गांव वगैरह से बात की जाएगी और उसको एक्वायर किया जाएगा। लैंड बैंक डेवलप करके इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे एक्सप्रेसवेज के लोग और फ्राइट कॉरिडोर्स के लोग। अच्छा, जो टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन द स्टेट, गवर्नमेंट वुड एनकरेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन एनर्जी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, ऑल आर कीवर्ड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बताया मैंने आपको, सनराइज सेक्टर सारे बता दिए, ग्रीन हाइड्रोजन, एग्रोकेमिकल्स, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, बताए नहीं बताए ऊपर, अभी डायग्राम बना के बहुत आसान हो जाएगा, बता रही हूँ मैं, लिखते रहना सारा। इन ऑर्डर टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्पीडी इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा ऑफ द टू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, जो NIMZ है, झांसी और औरैया में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है ना जो, उसके तहत इनका एस्टैब्लिशमेंट दिया गया है नेशनल पॉलिसी में, उनके तहत जल्दी से जल्दी इनको स्टैब्लिश करवाया जाएगा। फिर जो बैरियर्स हैं कार्गो मूवमेंट में, भाई नो एंट्री जोन्स हैं, कुछ कंजेशन चोक पॉइंट्स हैं, इन सबको आइडेंटिफाई करके इनके लिए एक ऐसा एक्शन प्लान बनाया जाएगा कि इन बैरियर्स को मिटिगेट किया जा सके और प्रॉपरली इनको प्रिपेयर और इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है? फिर आपका एक मल्टी मोडल टर्मिनल, पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर में, वाराणसी में, एंड वेरियस फ्लोटिंग टर्मिनल्स आर ऑपरेशनल अलॉन्ग द एंड नेशनल वाटरवे 1 एट गाजीपुर, राजघाट, रामनगर, वाराणसी और प्रयागराज टर्मिनल्स। और इंडिया का पहला फ्राइट विलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 100 एकड़ तक फैला हुआ होगा, वाराणसी में जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। एंड द इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एट आगरा एंड प्रयागराज, स्ट्रेटेजिकली पोजिशन क्लोज टू द WDFC, पढ़ा पिछले लेक्चर में आप WDFC और EDFC दोनों देख चुके हो। इट विल बी डेवलप्ड ऑन अ फास्ट ट्रैक मोड
with an aim to provide a seamless connectivity and world class facility to the industrial units. Kitna zyada kam hai na. Fir aapka as of January 2022 there are 24 approved SEZs, kya hote hain, special economic zones उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 21 को नोटिफाई कर दिया गया है अंडर SEZ एक्ट और 14 जो है वो ऑपरेशनल है. ठीक है, ओवरसीज इन्वेस्टर समिट के बारे में जरूर लिखना है. ठीक है, सारे इंसेंटिव्स सब कुछ ये मैंने आपको पांच जितने पिलर्स पे फोकस करेगा वो सारे बता दिए गए हैं. लैंड बैंक का क्रिएशन, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनना, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स बनना, फास्ट ट्रैक लैंड अलॉटमेंट होना, ये लिखो, और क्या बताऊं, बस बहुत है इतना. ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छे से लिख के आनी है. ठीक है, तो SEZ आपको पता होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का मतलब है एक टेरिटरी मार्क कर दी जाती है, एनक्लेव कर दी जाती है विद इन द नेशनल बॉर्डर्स ऑफ अ नेशन, और इन एरियाज में और बाकी एरियाज के मुकाबले थोड़े लिबरल इकोनॉमिक लॉज होते हैं. ठीक है ना, थोड़े से लिबरल इकोनॉमिक लॉज आपको इसमें देखने को मिलते हैं, आप ये लिख सकते हैं. ठीक है ना, ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गई आप लोगों के लिए. जगह जगह पे वही फॉरेक्स क्लॉज नए रिप्लेस किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से इनको रिकैलिब्रेट किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके SEZ होते हैं. ये आपका SEZ पॉलिसी आई थी SEZ 2000 में, SEZ फिर एक्ट आया है ना. इट्स अ ज्योग्राफिक रीजन विद कंपैरेटिवली मोर लिबरल इकोनॉमिक लॉज, बस इतना लिखना. दे कैन बी पब्लिक, दे कैन बी प्राइवेट, दे कैन बी ज्वाइंट, दे कैन बी इवन ऑन फॉरेन लैंड, ऐसा भी हो सकता है ना. ड्यूटी फ्री जोन होते हैं इसमें, और ट्रेड ऑपरेशन, ड्यूटीज, टैरिफ अच्छे से हो पाए उसके लिए बनाए जाते हैं. तो उसका काफी, उससे रिलेटेड भी अच्छा खासा काम हमारा स्टेट गवर्नमेंट कर रही है. नाउ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च्ड द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो भाई पॉलिसी आई, ये सब आए तो ठीक ही है ना. तो डेवलपमेंट हो इंडस्ट्रियल सेक्टर का, इसके लिए आप जानते हैं, मैंने आप पहले बता चुकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये स्कीम को लॉन्च किया गया 2018 में, जिससे कि आर्टिजन्स, हैंडीक्राफ्ट, लोकल लोग, उनको अच्छे से प्रमोशन किया जा सके उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको मतलब एक्सपोर्ट लाइक फैसिलिटीज उनको मिल पाए. उनका छोटा सा कोई प्रोडक्ट दुनिया खरीद रही हो कोई अमेरिका में बैठ के, और वो कह रही हो दिस इज मेड इन इंडिया, दिस इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, दिस इज फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट, है ना. कन्नौज का परफ्यूम लगाए सब, ये शनैल वनैल छोड़ के. ठीक है ना, द उत्तर प्रदेश माइनिंग पॉलिसी 2017 ये पूरी पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, ये माइनिंग सेक्टर के लिए आई है, जिससे कि कंट्रोल आए इलीगल माइनिंग का, ट्रांसपेरेंसी आए, इस सब के लिए आई है ये. देन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी आप देख ही चुके हैं, इट वॉज लॉन्च्ड टू एस्टैब्लिश यूपी एज नेशनली एंड इंटरनेशनली कंपेटिटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, देयर बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इग्नाइटिंग सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख सकते हैं आप. फिर आपका विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं ना ये जरूर लिख के आना. ये जो ट्रेडिशनली सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं ना उनको असिस्ट करने के लिए लॉन्च की गई है. फिर है मुख्यमंत्री खाद्य प्रसार मिशन योजना, इसमें क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे जो छोटे स्तर के बिजनेस हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, भाई वो अपना एस्टैब्लिशमेंट कर लें, एक्सपेंशन हो उनका, मॉडर्नाइजेशन हो, डेवलपमेंट हो कोल्ड चेन का, वैल्यू एडिशन हो, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अच्छा खासा हो जाए, उसके लिए ये नाम याद रखो. ठीक है, फिर है बाकी के पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए, देखो सारे नहीं याद करने हैं इंडस्ट्रीज रिलेटेड, बस नाम ध्यान रखना. उत्तर प्रदेश सिविल एविएशन प्रमोशन पॉलिसी 2017 की, उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप के लिए अलग से, ये सब कुछ तो इंटीग्रेट कर दिया गया ना इसी में, तो हर सेक्टर के लिए भी अलग से पॉलिसी है हमारे पास. उत्तर प्रदेश मिनी ग्रिड पॉलिसी 2016, फिर आपकी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2017, उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2017, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022, टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स के प्रमोशन के लिए यूपी एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2017, देन यूपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2018. तो ये कुछ और इनिशिएटिव हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इस सबसे रिलेटेड. बहुत बढ़िया,
अब पावर रिसोर्सेज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या आपस में कनेक्शन है, सारे हमने देखे थे रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल कितने टाइप के हैं, कहाँ कैसे लोकेटेड हैं, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं. अब उत्तर प्रदेश आप जानते हैं स्टेट इन नदरन इंडिया, वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज, हम इन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से हार्नेस कर सकते हैं फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. रिसोर्सेज से तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है बेसिकली, मानेंगे ना ये चीज़ को आप. सो सम ऑफ द मेजर एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कौन कौन से हैं? कोल. अब उत्तर प्रदेश में कोल के रिजर्व्स हैं और ये एक इंपॉर्टेंट फ्यूल है पावर जनरेशन का, आप जानते हैं. अब कोल रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे हैं? पिछले लेक्चर में जो देखा था, पिछले से पिछले में, सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली, ये हैं डिस्ट्रिक्ट्स हमारे स्टेट की विच हैव कोल रिजर्व्स. देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इस पर हम बहुत ध्यान दे सकते हैं. स्टेट में काफ़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हैं जिसमें आपका रिहान डैम हो गया, देखिए इसका 3000 मेगावाट कैपेसिटी है, तो अच्छा खासा कैपेसिटी का है ये डैम आपका. और बाकी के आपके माता टीला डैम है, धुलाई कलान है, शुगर मिल, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ झुका सकते हैं. देन वी हैव नेचुरल गैस, सो उत्तर प्रदेश हैज सिग्निफिकेंट नेचुरल गैस रिजर्व्स आल्सो, स्पेशली जो ईस्टर्न पार्ट है स्टेट का, वहाँ पे स्टेट में नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस है दैट ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडस्ट्रियल एरियाज. फिर है आपका सोलर एनर्जी, हॉट क्लाइमेट है यूपी में, हर वक्त सनशाइन हमें मिलता ही मिलता है, तो सोलर एनर्जी और सोलर पावर जनरेशन का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. तो स्टेट ने टारगेट भी बनाया है ऑफ इंस्टॉलिंग 10,700 मेगावाट ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी बाय 2022, टारगेट था ये. तो सोलर पावर जनरेशन और सोलर एनर्जी में हम लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे पास पोटेंशियल अच्छा खासा है, ठीक है. देन वी हैव विंड पावर, हमारे पास विंड पावर जनरेशन का भी सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है, पूरा टर्बाइन वर्बाइन बना के पूरा बताया था एक बार आपको मैंने एक लेक्चर में, वही रिन्यूएबल एनर्जी वाले लेक्चर में सब बताया था मैंने आपको, स्पेशली जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं स्टेट के वहाँ पे. सो द स्टेट हैज़ अ कैपेसिटी, कितना इसका क्या टारगेट है, 2000 मेगावाट विंड पावर कैपेसिटी बाई 2022. फिर है आपका बायोमास, बायोमास भी मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुकी हूँ बहुत डिटेल में, बाकायदा डायग्राम बना के समझाया था मैंने आपको विंड पावर जनरेशन. सो द स्टेट हैज़ अ लार्ज एग्रीकल्चरल सेक्टर, भाई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बायोमास इसलिए जनरेट होता है हमारे पास, सारा ऑर्गेनिक मैटर ही तो बायोमास है. इस बायोमास को आप यूज़ कर सकते हो एज अ फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, टू प्रोवाइड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर एनर्जी फॉर इंडस्ट्रीज, ये एक अच्छा हो सकता है. तो एनवायरमेंट फ्रेंडली जितने भी मेथड्स हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज जितने भी हैं, ऐसे वाली चीज़ें आप और लिख के आओ उन चीज़ों में, क्योंकि ये ग्रोइंग सेक्टर्स हैं. हमने देखा ना अभी सनराइज सेक्टर्स में ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस कर रहा है, बायोफील पे भी फोकस है हमारा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजों पे तो फोकस करेगा ही करेगा हर स्टेट. सो उत्तर प्रदेश हैज अ वैरायटी ऑफ पावर रिसोर्सेज जिनको हार्नेस करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है. स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड सेवरल पॉलिसीज, सेवरल इनिशिएटिव्स टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द पावर सेक्टर. या क्लियर? देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लिंक कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, है ना. इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉटलनेक्स हैं कितने ज़्यादा यहाँ पे, ये हमने ऑलमोस्ट हर लेक्चर में देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा है. तो अब आप देखें अगर तो उत्तर प्रदेश इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स इन इंडिया एंड इट हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. स्टेट ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है इन दीज एरियाज इन रीसेंट ईयर्स with the government implementing various initiatives to attract investment and to promote growth. ज़्यादा से ज़्यादा investment हो, ज़्यादा से ज़्यादा growth हो, इस चीज़ के लिए हमने काफ़ी सारा investment और चीज़ें करी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है. तो इसमें से पहला आएगा आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है. अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? देखिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो होते हैं ना, दे आर बेसिकली अ कॉरिडोर कंप्राइजिंग ऑफ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सर्विस. जो किसी मतलब दैट पासेस थ्रू द स्टेट्स एज मेन आर्टरी, ये लिखेंगे आप एज मेन आर्टरी,
आर्टरी, नस वाली आर्टरी, ठीक है ना। जैसे आप ये देखिए, फ्राइट कार्गो है इंडस्ट्रियल और नेशनल, आपने सुना होगा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, ये लोकेटेड होते हैं अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 टू 150 किलोमीटर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस मेन आर्टरी जो ये कॉरिडोर है, और ये लाए जाते हैं टू द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बाय रेल और रोड फीडर जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी इनको प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कम हो जाता है एंड इट इनेबल फर्म्स टू फोकस ऑन देयर एरिया ऑफ कोर कॉम्पिटेंस। ज्यादातर आप पढ़ते रहते हैं ना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होता क्या है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये जरूरी है पहुंचाना। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स क्या ऑफर करते हैं, इफेक्टिव इंटीग्रेशन बिटवीन व्हाट, इंडस्ट्री प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, आई आई को ये जोड़ देते हैं, क्या इज इक्वल्स टू क्या होता है, सोशल प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसे इक्वेशंस बना बना के याद कर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में ज्यादातर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होता है, रेल रोड का, पोर्ट्स होते हैं, चलो पोर्ट्स हमारे केस में तो नहीं होंगे, मॉडर्न एयरपोर्ट्स होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स होते हैं, ट्रांसशिपमेंट हब्स होते हैं, फिर आपका ये होता है टाउनशिप्स, रियल एस्टेट, ये सारी चीजें जो कॉम्प्लीमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये सब कुछ होता है, ठीक है ना। और स्ट्रैटेजिक फोकस होता है इनका इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे एंड दे वांट टू प्रोवाइड अ बूस्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस प्लान्ड अर्बनाइजेशन। स्मार्ट सिटीज बनाई जाती हैं इनके चारों तरफ, है ना, और मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ना वो की इकोनॉमिक ड्राइवर होती है इन प्रोजेक्ट्स, ठीक है जी। जरा चीजें याद रखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बताई जा रही है आपको। डीएमआईसी जो है स्टेट ने डेवलप किया है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, अगर हमारी स्टेट की बात करें हम तो, so the state has developed dedicated industrial corridors including the DMIC and the eastern dedicated freight corridor, दोनों पढ़ा चुके हैं पहले। ये investment attract करेगा, industrial growth देगा। ये corridors provide करते हैं modern infrastructure, मैंने आपको सब बता दिया, highways, railways, facilities सारी जो growth of industries को promote कर पाए। कहने का मतलब है high speed, high capacity। जो DMIC project है, it aims to create futuristic industrial cities by leveraging the high speed, high capacity connectivity। वो कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको, जो आपके डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है जापानीज असिस्टेंस के साथ, ठीक है जी। तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत अच्छी होती है इनकी, एक्सपोर्ट्स के बहुत एवेन्यूज खुलते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत देते हैं ये, एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा होता है इनका, है ना, और सोशो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है भाई। टाउनशिप्स बनेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, तो सोशल इंटीग्रेशन बढ़ेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होते हैं, यूपी ने सेटअप किए हैं बहुत से SEZs अक्रॉस द स्टेट टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरमेंट फॉर इंडस्ट्रीज। ये जोन्स जो हैं दे ऑफर वेरियस इंसेंटिव्स इंक्लूडिंग टैक्स एग्जेम्पशंस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन। एक्सपोर्ट पे बहुत ध्यान दिया जाता है इसमें, मैंने आपको बताया ना एवेन्यूज बनाने हमें एक्सपोर्ट के लिए, जिससे कि कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स कम हो जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्ट्रक्चर की, और इंडियन प्रोडक्ट्स ज़्यादा कम्पेटिटिव बने, यूपी के प्रोडक्ट्स ज़्यादा कम्पेटिटिव बने इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है ना। इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होता है और पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ती है। फिर है आपके इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क भी ये चीज़ हो गई, स्टेट गवर्नमेंट सेटअप कर रही है अलग अलग इंडस्ट्रियल पार्क स्टेट में टू प्रोवाइड रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रीज। इनमें मॉडर्न फैसिलिटीज होती हैं। मतलब इंडस्ट्रियल एस्टेट होते हैं, ट्रेडिंग एस्टेट होते हैं, जोन्ड और प्लान्ड होता है फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इनको बनाया ही इस हिसाब से जाता है, मतलब इंस्टेड ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल नीड्स, इनको इंडस्ट्रियल नीड्स को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है, है ना, रोड्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे टाइम और कॉस्ट कम हो जाए फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, ये इनका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इस पर बढ़ावा दिया जा रहा है, नए नए पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई जा रही है। सो द स्टेट हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड वेरियस इनिशिएटिव्स टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, मैंने आपको बताया सोलर और विंड पावर पे हमारा खासकर बहुत ज़्यादा ध्यान। एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट चाहते हैं, ठीक भी है। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, स्टेट ने इन्वेस्ट किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स।
The state government has proposed various new projects, including development of new airports, expansion of the existing ones, connectivity अच्छी करना, trade और commerce बढ़ाना. टूरिज्म पे हम क्यों ध्यान दे रहे हैं? इसलिए तो ध्यान दे रहे हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इंडस्ट्री टूरिज्म इज अ यू नो वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री. हमारे पास फेमस प्लेसेस इतनी ज्यादा हैं, है ना, ताजमहल, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा. तो द गवर्नमेंट रिलीजियस टूरिज्म पे हम बढ़ावा दे सकते हैं, मेडिकल टूरिज्म पे हम बढ़ावा दे सकते हैं, विलेज टूरिज्म पे हम, इको टूरिज्म पे हम बढ़ावा दे सकते हैं. नए नए सर्किट्स, हेरिटेज आर्क, यूपी हेरिटेज आर्क है ना, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टूरिस्ट सर्किट्स, रिस्टोरेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स एंड प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म. सारे आप पढ़ चुके हो पहले भी, कुछ भी लिखा हो, यू ऑल हैव द मटीरियल. सो उत्तर प्रदेश हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव इंप्लीमेंट कर रही है, जैसे कि ग्रोथ हो, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो. The state's strategic location and abundant natural resources make it an attractive destination for investors and industries looking to set up business in India. और ज्यादा सरकार इस चीज पे ध्यान दे रही है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे बिजनेस सेटअप करें. इन्वेस्टर समिट इसलिए हुई थी, ठीक है जी. इसके साथ साथ ये लेक्चर हमारा हो जाता है यहीं पे खत्म. आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस लेक्चर. काफी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है मैंने एडिशनल भी. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से. कोई भी पीडीएफ चाहते हैं आप लोग तो इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. पीडीएफ एंड पेड ग्रुप, ऑफ कोर्स पेड ग्रुप से ही मिलेगी आपको पीडीएफ. तो मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए पढ़िए बढ़िया से. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड. थैंक्स अ लॉट.